और एक और इलिमिनेशन जहां टॉप प्राइस था 1,25,000 रुपए, वहां आप लोगों ने बैंक किए हैं पहले से बेहतर एक्सेप्टेबल 40,000 रुपए. वेरी गुड, एक्सीलेंट 40,000 रुपए. बट आई नो फॉर फैक्ट दैट यू गाइस कैन डू बेटर. लेट्स मूव ऑन टू राउंड फोर. लेकिन इससे पहले राउंड फोर शुरू करते हैं. मुझे पता है कि यहाँ कोई पोइट्री करता है, कोई पोएट है, ऐसा ही है शोएब? जी जी बिल्कुल. कब से पोएट्री चल रही है? मैम बस जो सोचता हूँ फिर लिख लेता हूँ हल्का फुल्का. किसके बारे में सोच के लिखते हैं? जो दिल में आता है. दिल टूटा है, अक्सर लोग पोएट बनते हैं दिल टूट के, सिंगर बनते हैं. आपके साथ भी कुछ ऐसा बस है? ऐसा ही है कुछ. कितनी दफा टूटा? एक बार ही टूटा है. और अच्छा वाला? बिल्कुल. बुरा वाला टूट गया? बहुत. कितने अरसे पहले टूटा? तकरीबन 4-5 साल हुए. उफ, और जुड़ा नहीं? बहुत लोगों ने जोड़ने की कोशिश की लेकिन दिल बस. अच्छा, आपने कोशिश की लेकिन? मैंने नहीं की, दूसरे लोगों ने कोशिश की कि जोड़ेंगे लेकिन मैंने कहा नहीं बस. छोड़ो ना, भूलो, आगे चलो यार. जिंदगी में जिंदगी है, आगे चल रहे हैं ना. इतने दुख लेके कहाँ जाओगे? दुख मिला है तो दिल में होता है ना. आए हाय, तो फिर बताओ ना क्या सुनाओगे हमें? उसके लिए ही है जिसे तोड़ा है. जी बिल्कुल. वो आगे बढ़ गई जिंदगी, वो जी रही है, मैं उसी के दुख में गमजदा. ओके जी. मैम उनसे नजरें मिली, धड़कनों ने कहा. उनसे नजरें मिली, धड़कनों ने कहा, दिल लगाने का मतलब समझ आ गया. लब पे इनकार था, दिल में इकरार था. लब पे इनकार था, दिल में इकरार था. उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था. थोड़ा शर्मा के फिर सर झुका ही लिया. थोड़ा शर्मा के फिर सर झुका ही लिया. सर झुकाने का मतलब समझ आ गया. सर झुकाने का मतलब था कि नहीं, चले जाओ वापस. वही बात है ना, तब तो. ऑल राइट जी, एक्सीलेंट, लवली. और इस तरह के और भी लिखते रहते हैं आप? जी, सिंधी में भी लिखता हूँ, उर्दू में. ओह रियली? सिंधी में कुछ सुनाओ. वैसे मुझे समझ नहीं आएगा लेकिन सुनाओ. चे तो तोखा जो धार थियासी तो पो के जाना यार थियासी. तोखा जो धार थियासी तो पो के जाना यार थियासी. हर के पेंजो यार समझो पर असा न केंजा यार थियासी. सब नहीं समझा आखिर में बोला, लेकिन मैं नहीं किसी कहूंगा. किसी कहूंगा, इसका माने क्या था? ये मुदस्सर बताएगा. सिंधी है ना? हाँ. नहीं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन सिंधी समझते हो, बताओ. इन्होंने कहा कि जब से तुमने छोड़ा है तब से अकेला हूँ. सबने यार बनाना चाहा पर मैं किसी का यार नहीं हूँ. यार दोस्ती कर लो रहा सर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू राउंड फोर, जिसका टॉप प्राइस है 5,00,000 रुपए का इनाम. एकदम प्राइस बढ़ गया है. 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होगा. 5,00,000. नजर आप प्लीज इस अमाउंट पे रखें क्योंकि अब ज्यादा अमाउंट आप जमा कर सकते हैं. कंटेस्टेंट 7 है मेरे पास. मनी ट्रेल वॉर्स सुने. पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1,00,000 रुपए, सातवा 2,50,000 के लिए और आठवा 5,00,000 रुपए के लिए आपके. और 5,00,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है. उजैर ये राउंड आपसे शुरू करेंगे. 5,00,000 का टॉप प्राइस वक्त 2 मिनट 30 सेकंड. आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है. आप सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का ऐलान कौन से ईयर की 1 नवंबर को किया गया? 1922. करेक्ट. साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसका इंजीनियरिंग में बड़ा अहम किरदार है? फिजिक्स. करेक्ट. शोएब, बैंक. अमोनिया के कौन से प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट तश्कील पाता है? अमोनिया सिल्वर. गलत जवाब, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस. इफ्तिखार, बायोलॉजी की वो शाख जो जानदार में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेटा के इस्तेमाल से मुतालिक है, उसका नाम क्या है? पास. बायो टेक्नोलॉजी. एसन, उर्दू में 3 हरूफ भेजने का मतलब क्या है? लानत भेजो. करेक्ट. गजल, इकबाल के शेर सियालकोट से एक और मशहूर शायर का भी ताल्लुक है, उसका नाम बताएं? फैज अहमद. फैज अहमद, फैज. करेक्ट. मुदस्सिर, जंगे बलकान कब हुई? 1912 एंड 1913 में. करेक्ट. उजैर, T20 क्रिकेट में सबसे पहली सेंचुरी बनाने का एजाज किस प्लेयर को है? क्रिस गेल को. करेक्ट. नेहा, बैंक. IAEA किस आलमी एजेंसी के नाम का मुखफ्फ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. करेक्ट. शोएब, टास कहां की न्यूज एजेंसी है? रशिया. करेक्ट. इफ्तिखार, बैंक. ग्रुप द ग्रेट लेक्स में कुल कितनी लेक्स शामिल हैं? पास. 5. एसन, जर्मनी की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी का नाम बताएं? यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग. करेक्ट. गजल, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम. करेक्ट. मुदस्सिर, मशहूर टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम बताएं? पास. रोलैंड गारोस. उजैर, बू अली सना यूनिवर्सिटी कहाँ वाकई है? ईरान में. करेक्ट. नेहा, 1996 में दुनिया को पेश की जाने वाली क्लोन शीप का नाम क्या है? डॉली. ये बताएं शिप. यह आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है. खत्म. गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट. देखिए इसको कहते हैं टीम वर्क, जहां आपको पता होता है कि अब वक्त खत्म होने वाला है. जब एहसास होने लगता है कि 2 मिनट 30 सेकंड होने वाले हैं, तो उसने तेजी स्मार्टनेस का मुजाहरा किया, बैंक कर दिया ताकि पैसे जो आपने जवाब दिया वो सेफ
हो जाए आपके बैंक पर। अब वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, तो एलिमिनेट करें उस कंटेस्टेंट को जो वीक है, जो राउंड फाइव में आपके साथ नहीं जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुदस्सिर, नेहा और उजैर की परफॉर्मेंस बेहतर रही। शुएब और इफ्तिखार ने अच्छा नहीं खेला, बार बार चेन तोड़ते रहे। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद यू उजैर, आपका वोट किसके खिलाफ? मैम गजल। गजल क्यों? मैम काफी ज्यादा कंफ्यूज है और टाइम भी बहुत वेस्ट कर रही है। ऑल राइट, नेहा से बात। चेन चल रही है तो वहां पे आके या तो टूट जा रही है या तो फिर ये टाइम बहुत ज्यादा लेके फिर जवाब दे रही है, तो इसलिए नहीं रहना चाहिए इनको नेक्स्ट राउंड के लिए। गजल ने दोनों जवाब सही दिए, मगर टाइम बहुत लिया, वक्त लिया। नेहा। मैम गजल। ऑल राइट, शुएब से बात करते हैं। जी शुएब। मैम इफ्तिखार। क्यों? दो सवाल पूछे। मैंने दोनों बार बैंक किया है। एक सेकंड उसको पहले बोलने दो। जी दो सवाल मैम आपने पूछे हैं उनसे, लेकिन एक का भी सही जवाब नहीं दिया। मैंने दोनों बार बैंक किया है यार, क्या हो गया? बैंक तो किया है लेकिन आपको जवाब तो आना चाहिए ना। मनी तो सेव की है मैंने, एक मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन जब नेहा ने बैंक किया तो आपको जवाब देना था ना। आपने क्यों बैंक किया जब आपको सवाल नहीं आ रहा है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बैंक भी कर रहे हो, फिर मैम सवाल कर रही है, फिर आप सोच रहे हो। बैंक करके आगे गया हूँ ना मैं, बैंक के बगैर तो मैंने पास नहीं किया। जब पास करके चेन तोड़ी तो आप नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह तो गेम किया है, टीम वर्क नहीं हो सकता ना। ये तो टाइम कितना वेस्ट हुआ है आपने देखा है? नहीं नहीं, इसी कारण आप वही कर रहे हैं जो मुदस्सर आपके साथ पिछले राउंड में कर रहा था, उसके पास भी वही हक है। बात सही है, आपने दोनों okay, मैम कर सकते हैं, ये अपना वोट कर सकते हैं। तो फिर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैम ये डायरेक्ट मुझ पर आए हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट को छोड़ के डायरेक्ट मुझे, क्योंकि आप नजरों में मेरे साथ खड़े हैं, शायद मेरे साथ कॉम्पिटिटर करीब है ना, तो इसलिए ज्यादा फोकस है आप पे। फोकस शायद मुझ पर ज्यादा है, नजरें मुझ पर है इनकी। ओके जी, आप बताएं आपकी नजरें किस पर है? मैम गजल। ओके गजल, एहसन। मैम मेरा वोट गजल को है। और गजल का वोट किसके लिए? मुझे। उजैर। मुदस्सिर से भी पूछ लेते हैं, बेचारा मुदस्सिर ही रह गया। जी मुदस्सिर। इफ्तिखार। रीजन बताएंगे आप? दो बार पास किया और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट। एक बार तो आपने भी पास किया है, एक बार किया ना, और मैंने पहले तुम्हें सवाल दोनों में बार किया और तुमने प्लस टाइम भी, पहले सवाल में आपने ओके डजंट मैटर गाइस, परेशान नहीं हो इफ्तिखार, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स तुम्हारे नहीं गजल के खिलाफ है, जिसका मतलब ये कि आप बाहर नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच। आप नहीं जा रहे जिसके खिलाफ। मैम यहाँ दोस्तों के पीछे छुपे हुए दुश्मन नजर आ रहे हैं ना, इसलिए ये हैदराबाद का नाम डुबोने आए हैं यहाँ पे। That's great. क्योंकि सब पैसों के लिए खेल रहे हैं ये मैम, सब कंपीट कर रहे हैं। गजल, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि आप जा रही हैं वापस घर खाली हाथ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ। आखिरी खिलाड़ी कौन? उजैर ने और नेहा ने मुझे एलिमिनेट किया, बहुत गलत किया। अगर मैं खेलती और मुझे इनाम मिलता तो मैं उसे अपनी वालदा को हज करवाती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा। आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।